नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ गुरु ग्रोवर नरवाना से। आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। 2023 का जो ग्लोबल इंडेक्स आ चुका है, हंगर इंडेक्स, उसमें क्या है कि 125 देशों में जो है हमारा जो स्थान है वो 111वां स्थान है। मतलब है बहुत पीछे है जो हमारा जो भारत देश है वो चला गया भूखमरी में। भूखमरी का आलम इतना ज़्यादा है कि कुपोषण का शिकार बच्चे हो रहे हैं, उनको अच्छे से पोषण नहीं दिया जा रहा है, उनको जो सरकार के द्वारा है जो वो जो असेंशियल जो आवश्यक जो पौष्टिक तत्व है वो उनको नहीं दे पा रहे हैं। जो उनको अनाज दिया जाता है, जो हमें मिलता है, उसकी गुणवत्ता होती है वो बहुत कम क्वालिटी की होती है। तो इस कारण है जो जो हमारा जो पोषक तत्व है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो भूखमरी का आलम इतना ज़्यादा हो गया है। बेरोजगारी का तो है ही है, तो भूखमरी का भी एक आलम है। 125 देशों के अंदर जो ग्लोबल जो इंडेक्स होता है जिसमें स्टडी की जाती है भी किस देश में है जो कितनी भूखमरी है और वो किस स्थान पे आएगा, तो 125 देशों पे स्टडी करने के बाद 125 देशों में है जो हमारा 111वां स्थान है इंडिया का। मतलब बहुत पीछे चला गया है। इसका मेन मकसद यही है कि सच्चाई दिखाना। आप इस साइड में वीडियो भी देख सकते हैं, बच्चे कैसे अपना पेट भरने के लिए है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए कैसे अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस नदी के अंदर, इस रजबाए के अंदर है, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये नरवाना का वीडियो है जो मैंने आज कैप्चर किया था। हम कहीं जा रहे थे तो हमने देखा ये, तो हमने कैप्चर किया, तो इस पर हमने रिपोर्ट भी निकाल ली, जिसमें जो इंडेक्स जो निकल के है हमारा इंडिया का है वो हंगर इंडेक्स है, जो हम आपको 2023 का फिर बता देते हैं। इसमें है जो कोरस्टी आज तक की तरफ से बता रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत और पिछड़ गया है। इस साल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। तो 111वें नंबर पर है भाई, भूखमरी का आलम इतना बहुत ज़्यादा है। और भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। मतलब तीसरे साल ये गिरावट दर्ज की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 28.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया गया है। मतलब जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बताई गई है। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत 107वें नंबर पे था और 2021 में भारत को 101वां रैंक मिला था, और अब जो रैंक मिला है वो 111वां रैंक है भाई। मतलब लगातार है जो पिछड़ता गया है हमारा जो भारत देश है भुखमरी के अंदर। और इसको चेक करने का जो एक पैमाना होता है वो पैमाना होता है पोषक तत्व कितना होता है। इसको चार अलग अलग सिचुएशन में जांच की जाती है। तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, स्मृति जो मंत्रालय, स्मृति ईरानी है जो भाजपा से है, जो मंत्री है महिला बाल विकास की, वो मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने कहा है कि 3000 कॉल की जाती है, पूछा जाता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, इससे है जो ये इंडेक्स है ग्लोबल इंडेक्स तैयार किया जाता है किसी देश का कि भूखमरी है कि नहीं है। लेकिन वो सब झूठ था। मतलब उन्होंने एक मजाक उड़ाया था भूखमरी को लेकर, लेकिन इसके पैमाने अलग होते हैं चेक करने के कि इतने से इतने साल का, जैसे 6 से 8 साल के बच्चे को कितना पौष्टिक तत्व दिया जा रहा है, या फिर जन्मजात बच्चे को से लेकर और 5 साल के बच्चे को कितना दिया जा रहा है, फिर जो है 8 से 14 साल के बच्चों को है जो पौष्टिक तत्व कितना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से है उसको खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए होता है। तो ऐसे इनको चेक करने के बाद है जो ये फिर रिपोर्ट तैयार होती है। और इस रिपोर्ट में है जो लगातार तीसरी बार है जो 2023 में भूखमरी पर जो भारत बहुत पिछड़ गया है भाई, भूखमरी का आलम बहुत ज़्यादा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा भाई। हम अलग अलग मुद्दों पर, यूनिक मुद्दे पर काम करते हैं। नरवाना से आप लाइव की ये जो आप देख रहे हैं साइड में वीडियो, नरवाना की ये वीडियोज़ है, बच्चे कुछ ढूंढ रहे हैं। मतलब भूखमरी का आलम इतना है भाई, बेरोजगारी का तो आपको पता ही है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।